हेलो स्टूडेंट आइए इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं इस वीडियो में हम एक्टिविटी नंबर वन को परफॉर्म करेंगे हेलो स्टूडेंट आइए आज हम क्लास ट्वेल्थ की एक फर्स्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं इस एक्टिविटी का हमारा ऑब्जेक्टिव है to verify that the relation r in the set of l of all lines in a plane defined it by r is equal to element in terms of ordered pair lm is such that l perpendicular to m is a symmetric relation but neither reflexive nor transitive तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं reflexive relation की ओर तो यहाँ इसको परफॉर्म करने के लिए हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें ये हमारे जो थ्रेड्स हैं, वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ली हैं, L1, L2, L3, L4, एंड देन L5, L6 एंड L7 सो फर्स्ट कंडीशन में हमको शो करना है कि दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज वी नो दैट यदि हम फर्स्ट लाइन L1 को लें तो L1 सेल्फ हमारा जीरो डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है L1 से L1 के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री है नो no. no अब हम रिलेशन रिलेशन ओर में लेके चलेंगे कि L1 वन एंड एल टू एलिमेंट ऑफ L2 एलिमेंट ऑफ आर है तो क्या इम्प्लाइज करेगा एल वन पोपेंडिकुलर टू एल टू होगा तो अगर टू एल वन सिमिलरली एल सेवन दिस इज अवर एल सेवन एल सेवन एंड एल सिक्स के बीच का अगर हम एंगल देखें तो ये भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है और साथ ही साथ देखते हैं एल सिक्स एल सेवन से भी कितने डिग्री का एंगल बना रही है नाइनटी डिग्री का एंगल बना रही है तो मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे अगर हम देखें एल वन एल टू एलिमेंट ऑफ आर होगा तो एल टू एल वन भी एलिमेंट ऑफ आर होगा मीन्स ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसिस्टिव रिलेशन की ओर इसके लिए हम दो पेयर लेते हैं फर्स्ट पेयर है कि एल टू एल वन एलिमेंट ऑफ आर एंड एल वन एल थ्री एलिमेंट ऑफ आर इफ एल टू एंड एल वन एलिमेंट ऑफ आर मीन ऑफ दैट एल वन और एल टू आपस में पर्पेंडिकुलर होंगे एंड एल वन एल थ्री एलिमेंडा मीन एल वन एंड एल थ्री के बीच का एंगल भी हमारा नाइन्टी डिग्री होगा अब नाउ अगर हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखें तो एल वन और एल टू के बीच का एंगल आपका नाइन्टी डिग्री है एल वन एंड एल थ्री के बीच का एंगल भी नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ पे जो लाइन आपकी आ, आ रही है L2 टू एंड एल ये आपस में पैरेलल आ रही है बिकॉज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल होगा तो इफ एल टू एंड एल वन एलिमेंट ऑफ आर एल वन एंड एल थ्री एलिमेंट ऑफ आर तो ये हमारा इम्प्लाइज नहीं करता कि एल टू और एल थ्री पेंडिकुलर है बट ये इम्प्लाइज करता है कि एल टू एल थ्री पैरल है इट मीन्स ऑफ दैट एल टू एंड एल थ्री इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर इफ ये टू एलिमेंट ऑफ आर है बट ये एलिमेंट ऑफ आर नहीं है मीन्स ऑफ दैट ये हमारा रिलेशन एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं है तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने शो किया कि इस पड़ीकुलर टू जो रिलेशन होता है इन ए सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांसिस्टिव रिलेशन नहीं होता बट ये हमारा ए ओनली सिमेट्रिक रिलेशन होता है